एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले तो सॉरी, मैं अमृतसर में हूँ। मैं अभी बर्मिंघम से आई हूँ अमृतसर, और आज सुबह ही लैंड किया मैंने, और आज का पूरा दिन यहाँ पे मेरा लेवर है। उसके बाद कल हम ऑपरेट करके जा रहे हैं दिल्ली। चूँकि हम अमृतसर आए हैं तो हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने डिसाइड किया था, बट ऑपरेटिंग फ्लाइट थी 8 घंटे की तो हम जा नहीं पाए थे। बट अभी तो कल 1 घंटे की फ्लाइट है तो हम सोच रहे हैं कि आज चले जाएंगे तो पूरी रात सो जाएंगे। हाय एवरीवन, ओके सो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। रेड दिस लुक, मैंने आज ये सिंपल सी चोटी एंड यहाँ पे ब्रेड्स बनाए हैं। आई होप आई एम लुकिंग गुड। ओके सो मेरे पास कुर्ता नहीं था पहनने के लिए, तो ये विंटर वेयर का कुछ मेरे पास काइंड ऑफ कुर्ता पड़ा था तो मैंने वही डाल लिया। और वहाँ पे जाके तो वैसे भी आपको सर कवर करने के लिए मिल ही जाती है चुन्नी, तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। जितना मैं कैप्चर कर सकूँगी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। ओके सो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। मैं अभी भी नीचे अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी और अब तक वो नहीं आए थे। वैसे यहाँ मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था तो हमने सबसे पहले कैब ले लिया, और हम 3 जन थे तो हमने कैब में अच्छे से स्प्लिट कर लिया। आई गेस मेरे होटल से 8 या 9 किलोमीटर होगा, और बहुत ज़्यादा कैब का फेयर भी नहीं था एंड इतना महंगा नहीं है वहाँ पे, तो आप इजीली यू नो कैब बुक करके या फिर ऊबर ऑटो बाइक तो आजकल बहुत चलते हैं तो आप जा सकते हो। जाने के बाद हम सबसे पहले, वैसे हमें ऊबर कैब वाले ने बाहर ही उतार दिया पार्किंग पे ही, और वहाँ से हमें वॉक करके अंदर जाना पड़ा। काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल है, आप वॉक करके अंदर तक जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गोल्डन टेम्पल ऐसी जगह है जो रात भर भी खुली रहती है, सुबह तक भी, मतलब सारा टाइम वहाँ पे चहल पहल रहती है। क्या गूगल पे कर सकते हैं? ठीक है, मैं गूगल पे करती हूँ। हाँ सर, बांधने के लिए चाहिए, अंदर नहीं देते क्या सर? कितने का एक? 20 सब कुछ यहाँ पे 20 का ही मिलता है क्या? ₹500। अब ये जो रोड जा रहा है ये मेन टेम्पल का रोड है। जबकि आप रोड एंड होगा तो आपको मेन टेम्पल दिखेगा एकदम, जहाँ से आप एंट्री करोगे ये रहा मेन टेम्पल। यहाँ से आप एंट्री करोगे, आप अंदर जाओगे, सबसे पहले आपको अपने शूज़ वगैरह वहाँ पे देने पड़ेंगे। सर कवर करने के लिए तो हमने ले ही लिया है, और वहाँ पे भी सर कवर करने के लिए यू नो कपड़े रखे हुए होते हैं, तो वैसे वो यूज्ड होते हैं सबके, तो आप प्रेफरेंस अगर करते हो वो लेना तो आप वो भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप ख़रीद भी सकते हो जिस तरह से हमने बाहर ख़रीदा। सो दिस इज़ हाउ दिस गोल्डन टेम्पल लुक्स फ्रॉम इनसाइड। हम अंदर जा सकते हैं, अंदर यहाँ से आप मतलब जो मेन स्टेप है उतर के, जहाँ पे आपको माथा पे जाओगे वॉक करने के लिए पानी के जाएगा, वहाँ से मैंने वीडियो वगैरह निकाली और मैंने अपना माथा का थट्टी का। उसके बाद जहाँ से हम वॉक कर रहे थे मेन टेम्पल की तरफ जा रहे थे, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी और जिस टाइम पे हम गए थे ये टाइम होगा 8:30 बजे लाइन तो बहुत लंबी लगी थी, बट नंबर आ जाता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है 20-25 मिनट, ऐसे सब्र को होके मत वापस मत जाना, आ जाता है नंबर, तो इस तरह से लाइन में लगते हैं। पहले ये बना हुआ नहीं था, जब मैं इससे पहले आई थी तो उस टाइम पे बनी रहा था ये, अब ये ऐसे लाइन वाइज बन गया है अच्छे से कि आप यू नो एक कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम अच्छे से मेन मंदिर की तरफ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अगर कोई देखेगा तो वो बहुत बोलेगा। ये अभी भी हम मेन टेम्पल के अंदर नहीं गए थे, आउटसाइड ही थे तो मैं वीडियोस बना रही थी। ये मेन टेम्पल का एकदम रास्ता है, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो सीधा आप टेम्पल तक निकलोगे, तो वहाँ दिल्ली से आए हैं तो मैं बना लूँगा। तो उसके दर्शन वगैरह करने के बाद वीडियो नहीं बना सकते हैं शॉपिंग करने के लिए? बहुत नहीं, सच में देखने आई थी, वो पूछने लगे तो इसलिए मैंने उनको बोला बना कितने का था कैमरा चैनल वाले बोल के कम करवा रहे।
सो दर्शन मैंने कर लिया, मत्था टेक लिया मैंने, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे तो मैंने वो मैं क्लिप नहीं डाल पाई। बाकी मैंने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली वहाँ पे। बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है सामने, बहुत सारी चीज़ें मिल रही आपको जो आप खरीद सकते हो वहाँ पे। और मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह की, मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ कुछ खरीदा, उनको भी ख़रीदना था। और उसके बाद हमें बहुत तेज़ की भूख लग गई थी और हम खाना खाने के लिए चले आए। तो हम घूम चुके हैं यहाँ पे, अंदर दर्शन हमने कर लिया, मतलब टेक लिया। अब हम यहाँ पे खाने के लिए आए कि बहुत देर बीत गई थी, रात के 9 बज गए हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है छोले कुलचे और मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया है पाव भाजी। तूने क्या ऑर्डर किया अंकिता? पाव भाजी। अच्छा, 2 पाव भाजी 1 छोले कुलचे। सो ये था मेरा अमृतसर गोल्डन टेम्पल का ब्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड कमेंट भी करे एंड मुझे बहुत सारा प्यार दे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।